देश के ऊपर जान झोंकन आला, बुद्धि इतनी के मौके पे रगनी बनान आला, और शायद इस दुनिया में गलत टाइम पे पैदा होन आला। राम राम दोस्तों, आज जिक्रा है फौजी कवि जाट मेहर सिंह का, उनके कुछ सुने कुछ अनसुने किस्सा का। मेहर सिंह जी का अपनी घराली के साथ किसा संबंध था, उनने अपनी पहली तनख्वाह में के खरीदा था, दादा लक्ष्मीचंद ने के विनती करी थी मेहर सिंह ते, और भी बहुत सारे मस्त किस्से आओ देखें। दोस्तों, फौजी मेहर सिंह जी की कुछ भी बात शुरू करने से पहले उनकी घरवाली प्रेम कौर जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। रामपाल चहल जी जिन्हें खूब रिसर्च करी मेहर सिंह जी के ऊपर और एक किताब लिखी, इसी सिलसिले में वह प्रेम कौर दादी ते मिले थे, तो उन्होंने सवाल पूछा कि दादी मेहर सिंह जी किसे दिखा कर दे किताब पे उनका फोटो छापना है। आप दादी प्रेम कौर का उत्तर सुनकर हैरान रह जोगे। उन्हें कहा, बेटा मने तो पता नहीं किसा दिखा था, जब आज मेहर सिंह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसने पहचान नहीं पाऊंगी। रामपाल चहल जी हैरान हो गए, क्यों ईसा क्यों, वो तो आपके घराले थे। तो दादी ने अटका बोला, अरे बेटा मैं तो 2-3 बार सहनशील है उसते मिली थी, और उस टाइम तो घूंघट में रहा करते, आज जैसा जमाना नहीं था। फिर उनका बुलावा आ गया और वो फौज में चले गए, और अटका कदी भी लौट के नहीं आए। दोस्तों, दादी प्रेम कौर का निधन 2004 में होया था। इतनी लंबी जिंदगी बिना किसी का लत्ता उड्डे, बिना किसी दूसरे आदमी से शादी करे प्रेम कौर जी ने सम्मानित तरीके से मेहर सिंह जी के परिवार में रंधे हुए काट दी, और जाए तो उनके त्याग को नमन करने के लिए मेहर सिंह जी की कुछ भी बात शुरू करने से पहले उनका जिक्र होना जरूरी था। मेहर सिंह दैया, इस नाम ने दोस्तों सब याद रखा है, कोई जाट मेहर सिंह के नाम थे तो कोई फौजी मेहर सिंह के नाम थे। इनका जन्म कद होया सही सही तो किसी ने भी नहीं पता, पर फौज के रिकॉर्ड बतावा 15 फरवरी 1918 ने सोनीपत जिले के बरौना गांव में इस दिवंगत आत्मा ने जन्म लिया। जय आप कदे बरौना गांव में जाओ तो और एक स्टैचू है मेहर सिंह का, उस पर माला चढ़ा कर जरूर आइयो। बेशक बाहर की दुनिया मेहर सिंह जी की रागनिया ने गाने बजाने ने खूब पसंद करा करती, पर इनके पिता नंदराम दैया और माता भरतो ने इनका यो गाना बजाना जमा पसंद नहीं था। और दोस्तों, आप अनुकूल के पैशन फॉलो करना बहुत मुश्किल चीज होवे है, ईब जब समाज में इतना खुलापन है, उस टाइम सोचो मेहर सिंह जी ने अपना रास्ता क्यों कर बनाया होगा, पैशन फॉलो क्यों करा होगा उस जमाने की पाबंदी में। नंदराम जी इन खूब पिटा कर दे इन रागनिया के चक्कर में, और कया कर दे कि रायो गाना बजाना तो डूमा का काम हुआ है, जाटा का नहीं। पर जब भी मौका मिलता मेहर सिंह जी ने वह जरूर रागनी गाया कर दे, और अपनी जो उन्हें पहली रागनी सुनाई थी गांव में वह सबने बहुत पसंद आई थी, वह थी खरे आदमी मुंह पे कह दे डरा नहीं कर दे। बचपन से बहुत गहराई थी मेहर सिंह जी के लेखन में। इसके ऊपर एक किस्सा है, जब मेहर सिंह जी बस 11 साल के थे उस टाइम पे बरौना गांव में एक आर्य समाजी कवि पृथ्वी सिंह बेधड़क आए थे, तो इस पृथ्वी सिंह जी ने पूछा कि बरौना आलो थारे गांव में कोई ऐसा आदमी है जो बढ़िया रागनी गा दे, तो ये गांव आले मेहर सिंह जी ने पकड़ कर ले आए और उनके सामने पेश कर दिया। 11 साल के बालक मेहर सिंह ने देख कर पृथ्वी सिंह बोले, अरे ये तो बालक है, यूके रागनी गावेगा। तो मेहर सिंह ने उनते एक रागनी गा के दिखाई। 2 दिन का जीना दुनिया में है अनुमान जरा सा। मेहर सिंह जी के भजन की गहराई सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा कि बेशक तू एक बालक है, पर तेरे भजन का मतलब एक बड़े बुजुर्ग के लेवल का है, और सोने पे सुहागा तेरे कंठ पे सरस्वती वास करे है। बाद में नुको है मेहर सिंह जी ने पृथ्वी सिंह बेधड़क का जिक्र अपने एक भजन में करा था कि एक साधु ने वरदान दिया, मेरी गूंज शिखर में चढ़गी, कुछ तो पहले बढ़ रही थी और आगे सीने बढ़गी। इस रागनी में साधु का वरदान मेहर सिंह जी ने पृथ्वी सिंह बेधड़क को कहा है। अच्छा, जब मेहर सिंह रागनी गानता हटे नहीं, तो इनके पिताजी ने इनका ब्याह उजवा समस्तपुर गांव के लक्खी राम की छोरी प्रेम कौर तक करवा दिया, जिन प्रेम कौर के बारे में आपने वीडियो के शुरू में सुना था। जय कोई भी बाण भाई उजवा समस्तपुर इस वीडियो में देख रहे है, मैं आपका धन्यवाद दे हूँ इतनी महान औरत पैदा करने के लिए। चलो मेहर सिंह पे वापस आवे, पर ब्याह पाछे भी मेहर सिंह रागनी गानते नहीं हटे। इबिन के ब्याह की बात आएगी तो इसके ऊपर भी एक मस्त किस्सा है। मेहर सिंह के एक दोस्त दौरे गाड़ी होया करती, और जब मेहर सिंह का रिश्ता होया
तो वो दोस्त बोलिया मेहर सिंह तक कि भाई तेरे ब्याह में आप गाड़ी लेकर चलेंगे। मेहर सिंह बोले ठीक है भाई ले चलिए, जब बरात आला दिन आवे है तो इसी अड़ास क्यों नहीं हो जिस दोस्त ने कि ना तो वह गाड़ी आई ना वो दोस्त आया। इब उस टाइम कौन सा व्हाट्सएप थे कि आई एम नॉट कमिंग टूडे लिख दिया, तो गाड़ी की बाट देख कर बिना गाड़ी के बरात चली गई। जब आगे पहुंचे तो ससुराड़िये बोले मेहर सिंह थे के कुछ नया नया सुनाओ जी हमने, और दोस्तों मेहर सिंह जी के अंदर एक क्वालिटी थी वह तुरता पूर्ति में खड़े पाया, उसे स्थिति में उसे सिचुएशन में एक नई रागनी बना दिया कर दे। तो मेहर सिंह जी ने भी यार यह क्वालिटी यूज करी और एक नई रागनी बना दी या गाड़ी ना आने वाली स्थिति पे के सुनाया वीर बाणिया पुलिस ड्राइवर नहीं किसी के प्यारे, भीतर लेकर भेद ना दे मीठे बोले सारे, अंत करण ते न्यू बोले हम नहीं परण ते आलेंगे, यार मेरे तू कद कद आवे तेरे ब्याह में मोटर ले चलेंगे। दोस्तों आपका जो वीडियो यारे तक पसंद आई है तो अपने चैनल पे इसी सी और भी वीडियो है, आपने कमेंट करके कही थी दादा लक्ष्मी चंद की वीडियो बनाई और फुलझाट चुलानी वाले की वीडियो बनाई, जानी चोर की वीडियो बनाई, मास्टर चंदकी राम पहलवान जी की वीडियो बनाई और शहीद आजम भगत सिंह की भी बनाई और ईबिया मेहर सिंह जी की बना दी। और आप किस पे वीडियो देखना चाहो कमेंट करके बताइयो, जिस पे आप गणेश सब तक कमेंट आवेंगे उसकी आप वीडियो बनावेंगे। पांच बहन भाई हमें सब तो बड़े 6 फुट लंबे मेहर सिंह को उनके पिताजी ने रागनिया तो दूर रखन थी जबरदस्ती अंग्रेजा की फौज में भर्ती करवा दिया। सन 1936 में मेहर सिंह जाट रेजिमेंट की 6th गार्ड में भर्ती हो गए। जब जनवरी 1937 में उनकी ज्वाइनिंग आई तो बड़े अनमने मन तक जाकर फौज ज्वाइन करी और इसके ऊपर भी एक लाइन लिख दी के देश नगर गांव छूट गया कितका गाना गाया रे, कह जाट ते डूम हो लिया बाप मेरा बहकाया रहे। इनके फौज ज्वाइन करे पाछो तो ओड़ा तो कोई रोकन आला था ही नहीं, इन्हें रागनी गाने ते ड्यूटी कर दे और अपना आकर रागनी लिख दे। जवाना ते लेकर अफसरा तक भी इनकी रागनी खूब पसंद आया कर दी। जब मेहर सिंह छुट्टी आया करते काम में और जब वो छुट्टी खत्म होकर उल्टे जाया करते तो इन्हें बड़ा दुख लग्या करता। इसके ऊपर इनकी एक बहुत प्रसिद्ध लाइन भी है, ए छुट्टी के दिन पूरे हो गए फिकर करण लग्या मन में, बांध बिस्तरा चाल पड़या के बाकी रहगी तन में। दोस्तों नुको है आवश्यकता आविष्कार की जननी होवे है, तो जो यू आप गढ़वा बाजा देखो रागनिया में इसका आविष्कार भी मेहर सिंह जी ने करा था। एक बार उन्हें सोचा कि बढ़िया डाल रागनी सुनाऊंगा तो उन्हें पानी पीन आला फौज का गढ़वा लिया और जो फौज के ट्रक्का के पुराने टायर हैं उनकी टीप काटी और उसके ऊपर गढ़वे के ऊपर बांध दी और बजा कर देखा तो उसमें तो बढ़िया धुन आई। उसके पाछे फिर उन्हें अफसरा तरफ फौजी आता है उस मटके के लिए रागनी गा के सुनाई। इसी टाइम पे दादा लक्ष्मी चंद भी हुए। कुछ लोग ने कहा कि मेहर सिंह जी का कोई भी गुरु नहीं था, पर मेहर सिंह जी ने दादा लक्ष्मी चंद को अपना गुरु माना था। क्यों माना था इसके ऊपर एक किस्सा है। पहले तो मेहर सिंह जी दादा लक्ष्मी चंद के विचार के खिलाफ थे, पर जिस तरीके से दादा लक्ष्मी गाया करते उनका कंठ था उसके बड़े कायल थे मेहर सिंह जी। और आगे बढ़ने से पहले इस किस्से के आपने एक बात बता दूं, मेहर सिंह जी कोई प्रोफेशनल संगी नहीं थे, वह मन मोजी थे, गान आले मन करया तो गा दिया नहीं तो नहीं। लोग इन्हें ड्रीम पोएट भी कहा करते कि जो भी कुछ इन्हें सपने में दिखा है उसे ना आधार बनाकर अपनी सारी रचनाएं बना हुए हैं। इसे चक्कर में उन्हें श्रृंगार रस की, वीर रस की, देशभक्ति की, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर तो उन्हें 17 रागनियां लिखी भी थी जिसमें सबसे फेमस है कि घड़ी ना बीती नापल गुजरा, उतरा जहाज शिखर तर है, बरसन लागे फूल बोस पर जब हाथ मिला हिटलर तर है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आली कहानी और आजाद हिंद फौज का किस्सा बाद में वीडियो में लेकर आवेंगे, पहले यो दादा लक्ष्मी चंद आला किस्सा पूरा करें। कुंडल गांव में सांग दादा लक्ष्मी चंद का चल रहा था और मेहर सिंह भी ओड़े सांग देखने पहुंच गए। दादा ने कुछ एक रागनी गाई तो मेहर सिंह बोले मजा नहीं आया, तो दादा का छो उठा और बोले तू गा ले फेरे, तो मेहर सिंह बोले ठीक से मैं गाऊंगा। अरे गढ़वा ठाकर स्टेज से थोड़ी सी दूर जाकर बैठ गए तो लोग जो जनता बैठी थी पंडाल में वह भी मेहर सिंह के पास पास चल पड़ी। यह देख कर दादा लक्ष्मी चंद उभाने पाया स्टेज से नीचे उतर के आए और मेहर सिंह तब बोले कि भाई यह तुम्हारी रोजी रोटी है खराब ना करे, जब तने गाना ऐसा है तुम्हारी के लिए आके गा ले। इतनी सुनकर मेहर सिंह जी आगे और दादा लक्ष्मी चंद बोले आजा ऊपर स्टेज पे, तो मेहर सिंह जी बोले मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा नीचे खड़े होकर गाऊंगा। दादा लक्ष्मी बोले ठीक है भाई गा ले। जब मेहर सिंह ने गाना शुरू करा तो दादा लक्ष्मी चंद कति हैरान रह गए। तो दादा लक्ष्मी चंद बोले के भाई तू तो जबरदस्त आदमी है,
बस एक कमी है। मेहर सिंह जी बोले बताओ पंडित जी क्या कमी है कि किसी ने भी अपना गुरु बना ले, बिना गुरु किसी भी आदमी ने सही दिशा नहीं मिल सकती। मैं नू नहीं कहता तू मना गुरु बना, किसी ने भी बना ले। तो मेहर सिंह बोले पंडित जी आप मेरे तो उम्र में बड़े भी हो और पंडित भी हो, तो आज तक आपको ही मैंने गुरु मान लिया। दोस्तों गान बजाने के काम के शामी मेहर सिंह जी ने बाकी सारे दूसरे काम छोटे लाग्या कर दे। इसके ऊपर एक बड़ा मजेदार किस्सा है। उजवा समस्तपुर गांव जो ससुराल है मेहर सिंह जी की, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, यू किस्सा उससे भी पहले का है। इस गांव में चौपाड़ बननी थी तो इन एक भजनी बुला रखा था चंदा इकट्ठा करनी चौपाड़ खातर। यो भजनी ईसा हुआ कि बीच में क्यों ना भाज जाए, इब चंदे का काम आधा रह गया। तो उजवा समस्तपुर वाले गाँव के लोग पहुंचे मेहर सिंह दो रहे बरोना गांव में। उस टाइम पर मेहर सिंह अपने ईख की रखवाली करने खातर खेत में जा रहे थे। लोग टोने टोने ओड़े पहुंच गए और सारी बात बता दी कि भाई न्यूर नू चपाड़ बनानी है और मारा भजनी आधे में छोड़कर बाज गया। तो मेहर सिंह जी बोले मैं चाल पढ़ूंगा पर थारे में तो एक ने यार मेरे ईख की रखवाली करने ते ही रहना पड़ेगा। तो मैं लोग बोले ठीक से भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उनमें तो एक जना रखवाली करने बैठ गया ईख की और मेहर सिंह जी चले गए उनके लिया सांग करने। पर जुन सही रखवाली करने थी बैठा था, इसने भी सांग देखने के चक्कर में भाज गया उजवा समस्तपुर गांव ईख ने न्यूकानू छोड़ के। जब सांग खत्म होया मेहर सिंह जी उल्टे आए तो देखा पशुओं ने सारा ईख खत्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। और उसे टाइम पे इनके पिताजी का भी आना हो जाए और इनके पिता ने इनको खूब थप्पड़े थप्पड़े उस टाइम खेत में मारे। दोस्तों ये बात करें कि मेहर सिंह जी ने अपनी पहली तनख्वाह का करया के था मेहर सिंह जी के अवेली आज भी उनके पैतृक गांव पर होना में सह। तो जब उन अपनी फौज की पहली तनख्वाह मिली थी तो उन अपनी इस अवेली खातर थाम्ब सतीर ये सब लेकर आए थे जो आज भी उनकी अवेली में न्यू के न्यू लग रहे हैं। दोस्तों मेहर सिंह जी अंग्रेजा की फौज ने छोड़कर सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज में चले गए थे। और जब यह आजाद हिंद फौज अपने भारत ने आजाद करती आई तो अपने जाट कवि फौजी मेहर सिंह भी इसी फौज के साथ आए थे। और जब यह फौज रंगून पहुंची तो ओड़ा अंग्रेजा की लड़ाई छिड़गी और फौजी मेहर सिंह के ओड़े गोली लग गई। बाद में अस्पताल में ये फौजी मेहर सिंह जो देश खातर समाज खातर और भी बहुत कुछ कर सके थे, सिर्फ 27-28 साल की उम्र में उस पावन धाम में वापस चले गए। शायद फौजी मेहर सिंह ने रंगून में उस लड़ाई को देख के अपनी वीरगति का एहसास पहले हो लिया था और इसके ऊपर उन्होंने एक लाइन भी गढ़ी थी कि साथ रहनियो संके साथी एक दया मेरे पर फेर दियो, देश के ऊपर जान जोग दी लिख चिट्ठी में गेर दियो। दोस्तों बरोना गांव में हर साल 15 फरवरी ने इस महान आत्मा की याद में रागनी का कंपटीशन रखा जा हुआ है। जब आप 15 फरवरी ने पुराना गांव के आसपास हो तो ओड़े पक्का जाइयो। आपने वीडियो किसी लगी इस महान दिवंगत आत्मा की अपने भाई गौरव मानने कमेंट करके जरूर बताइयो। यह वीडियो देखने की थारा दिल ते बहुत बहुत धन्यवाद।